हे गाइस व्हाट्स अप। सो टेल मी लास्ट एपिसोड आपको कैसा लगा। वेल स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 एपिसोड नंबर 40। जैन नूरा को बचा लेता है और तिलिस्मी ताकत की मौजूदगी में उन दोनों का निकाह होता है। दोनों चांद की तरफ देखते हैं। कहा था ना मैंने, जिस दिन ये चांद पूरा हो जाएगा उस दिन ये चांद मेरा हो जाएगा। नूरा मुस्कुराती है, और सूरज मेरा। पर तुमने तो कहा था कि सूरज से कोई मोहब्बत नहीं करता। नूरा ने उसे देखा। चांद ये भूल गया था कि चांद खुद सूरज से रोशन होता है, उसके बिना दुनिया में अंधेरा होता है। जैन मुस्कुराता है और उसे गले से लगा लेता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। जैन नूरा को लेकर वहां से चला जाता है। ईशाल और विकाल अरीना पर गुस्सा होते हैं। अरीना मुस्कुराती है और अपनी अगली चाल के बारे में बताती है, जिसे सुनकर दोनों शॉक रह जाते हैं। इसके बाद वो उन दोनों के साथ एक अंधेरी जगह पर जाती है, जहां एक बहुत पुरानी काली ताकत रहती है, जिसका नाम शलाखा होता है। अरीना उसे कैद से आज़ाद करती है और उसे हाथ मिलाने को कहती है, क्योंकि उसे काली दुनिया की हर ताकत का इल्म होता है। जैन नूरा को लेकर घर आता है। सब शुक्र अदा करते हैं, पर इस बात पर शॉक होते हैं कि दोनों का निकाह कैसे हुआ। तब वो दोनों सब बता देते हैं। अगले दिन दोनों दाईजान के साथ उनके घर जाते हैं, जहां अरीना अपनी अगली चाल चल रही है। नूरा के सब पड़ोस वाले जैन को घेर कर बैठ जाते हैं और बहुत खातिर तवाजे करते हैं, जिसे देख कर नूरा हंसती है और दाईजान के कहने पर सबके घर मिठाई देने जाती है। पर रास्ते में ही उसकी मुलाकात शलाखा से होती है। नूरा उसका मुकाबला नहीं कर पाती। तभी वह रूह बदल ताकत का इस्तेमाल करती है, जिससे नूरा के जिस्म में शलाखा और शलाखा के जिस्म में नूरा की रूह आ जाती है। जब नूरा घर वापस नहीं आती तो जैन परेशान होता है, उसे ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में उसे नूरा की पायल मिलती है। उससे कुछ दूर जाने पर उसे नूरा बेहोश मिलती है। उसे लेकर वो घर आ जाता है। घर आकर वो किसी से बात नहीं करती और अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ नूरा अरीना की कैद में होती है। अरीना नूरा को गुस्सा दिलाती है, पर वो कुछ नहीं कर पाती। जैन को नूरा का बिहेवियर अजीब लगता है। तभी वो उससे कुछ ऐसे सवाल पूछता है जिसका जवाब सिर्फ नूरा दे सकती है, पर वो सवाल का गलत जवाब देती है और जैन समझ जाता है कि वो नूरा नहीं है। जैन अपने असली रूप में आता है और उसे सच बताने को कहता है। तभी वो पैरीजात पर जैन पर वार करती है। जैन को सिर्फ पैरीजात ही खत्म कर सकती है, इसीलिए अरीना ने ये चाल चली। बट आगे क्या होगा? क्या जैन असली नूरा को बचा लेगा? क्या अरीना कामयाब होगी? सो गेस व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। गाइस, आज का एडवेंचर और क्लाइमेक्स आपको कैसा लगा? टेल मी विद कमेंट एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक।